हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। मैं कालू गुजर आज आपको बताएंगे कि नए टॉपिक के साथ जो अभी आई से पेपर पड़ा है इसके अंदर लीकेजिंग प्रॉब्लम है। कस्टमर बोल रहा था मेरे से नहीं जा सकता अपने आप दुकान पर गैरेज में, तो आपको ये आना पड़ेगा। तो अभी क्या है, क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए वो ये उनके घर जाके या खेतों के अंदर जाके भी सर्विस देना पड़ता है। तो ये लीकेजिंग का प्रॉब्लम इसके, ये देखो पूरा लीकेजिंग है, ये लीक है। अपने को ये लीक हटाने के लिए बुलाया है। अभी देखो ये पूरा लीक है, ठीक है। तो इसके अंदर टाइम कुछ नहीं लगेगा। ये देखो पूरा ये भूसा लगा हुआ है ना, ये पूरा भूसा ऑयल के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और ऊपर ये भूसा नहीं लगा हुआ है, तो इसको टेपिट कवर को हटाएंगे पहले। तो ये आई सर 380 है, ये टेपिट कवर इस साइड से लीक नहीं है, ठीक है। ये इस साइड से बिल्कुल भी लीक नहीं है, उससे एक साइड से ही लीक था। तो ये क्या पैकिंग पूरा टूट गया है, और ये 10 नंबर का बोल्ट है, इसको निकालेंगे, चार बोल्ट को निकालेंगे, ठीक है। दोस्तों मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। और इसी प्रकार आपको ट्रैक्टर के अंदर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझको फ़ोन करके या कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने किसान दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मैं ये देखो ये क्लिप है, ये क्लिप भी आपको ये निकाल लेना है यहाँ से, जो अपने स्कूटर और निकला लो इसको हटा लो, इस प्रकार धीरे धीरे हटा लो। पहले इसको क्लीन तो किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको एक बार और क्लीन कर देंगे। इसको हटा करके साइड में रख दो, और अभी ये पैकिंग है, ये पैकिंग पूरा टूट करके अलग हो गया। ये देखो पूरा, ये देखो टूट करके अलग हो गया, इसी कारण से ये वो अपने साइलेंसर की तरफ पूरा लीकेजिंग हो रहा था, ठीक है। तो अभी इसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करेंगे, साफ़ सफाई करके ये वापस लगाएंगे। टाइम कुछ नहीं लगता है इसके अंदर, सिर्फ इसको आने जाने का ही टाइम है, लेकिन इनको जो अपने किसान भाई है इसको टाइम नहीं मिला आने को। तो मैं फिर ये था तो मैं खुद ही चला गया। तो दोस्तों अपने कस्टमर है उनको टाइम टू टाइम संभालना और उनको सर्विस देना अपना काम है। तो इसी प्रकार इसको टेपिट कवर को ये दूसरा लगाने की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके पूरा अच्छा क्लीन कर दिया है, और इस प्रकार आपको ये बिठा लेना। कुछ नहीं करना आपको, वो पुराना निकाला और थोड़ा साफ़ सफाई करना है, और इसको वापस इसको ऊपर लगा देना है, ठीक है। ऊपर लगा के अगर ट्यूब लगा हो तो भी ठीक है, जो अपना चिपकाने वाला ट्यूब है, बोनटाई ट्यूब बोलते हैं उसको, वो लगाते तो भी ठीक है, और नहीं लगाते तो भी चल जाता है, उसमें वो नहीं है। लेकिन ज़्यादा लीकेजिंग है तो इसको पैकिंग को तो लगाना ही लगाना। तो ये मैं ट्यूब लगा देता हूँ पूरा अच्छी तरह से, फिर बाद में इसको फिटिंग करेंगे। तब तक दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा वीडियो बनाने के लिए हौसला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए। और ये कंप्लीट लगा दिया अभी, ये लगा करके ये अच्छी तरह से सफाई भी कर दिया इस साइड से, जो अपना पैकिंग आता है, क्यों पूरा क्लीन तो कर नहीं सकते, अपना पैकिंग लगता है वहाँ से अच्छी तरह से क्लीन किया देखो। और इस प्रकार आपको ये रख देना है, ठीक है। ये रखने के बाद में आपको चारों तरफ देखना है, अभी देखो ये पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये पट्टी चारों तरफ दिखाई देना चाहिए आपको बाहर की साइड में, तब समझ लेना आपका पैकिंग बराबर लग चुका है, ये देखो, ठीक है। इस प्रकार आपको पैकिंग लगाना है, और ये चारों बोल्ट लगा देना है। इसके अंदर ये किसान भाई खुद भी कर सकता है, लेकिन इनको आने जाने का टाइम नहीं है ना। इस प्रकार आप खुद लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंप्लीट चारों बोल्ट टाइट कर देना है, चारों बोल्ट को खींच करके अच्छी तरह से खींच करके टाइट नहीं करना है। जैसे मान लो ये इसके अंदर रबड़ लगाया है, बोल्ट के अंदर रबड़ है,
वो अपने आप हल्का हल्का टाइट हो जाएगा, फिर बाद में छोड़ देना बस। और चारों बोल्ट को एक साइज से टाइट करना है इस प्रकार, ज़्यादा टाइट नहीं किया देखो अभी आप, ठीक है, बस इतना इतना टाइट करना है। ये चारों बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। दोस्तों कस्टमर को सर्विस देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी इनका टाइम है, जैसे मान लो हमारे राजस्थान के अंदर बारिश कम होती है, और अभी ये बारिश का मौसम है, क्योंकि ये पूरा फसल पकी हुई है उसके ऊपर बारिश हो जाए तो ख़राब है, इसलिए इनको भी टाइम नहीं है आने के जाने का, और किसान को भी टाइम नहीं है निकलवाने का। तो मैं सोचा वहीं पे चल के कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको टाइट कर देना और ये पाइप लगा देना है जो पूरा नीचे दो क्लिप के अंदर फिटिंग रहती है, ठीक है, जो इंजन का हवा बाहर निकलती है ना, जो इंजन सांस लेता है वो पाइप है, उसको क्लीन करके अच्छी तरह से लगा देना है। ये देखो एक वो नीचे पाइप है और सॉरी क्लिप है, और एक ऊपर क्लिप है, दोनों क्लिप के बीच में सफाई करके ये डाल देना है इस प्रकार, और इसको ड्रॉ से टाइट कर देना है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।